इसराइल हमास युद्ध के बीच इसराइल और लेबनान में भी जबरदस्त जंग छिड़ गई है। इसराइल के ताबड़तोड़ हमलों से तमतमाए हिजबुल्ला ने भी भीषण पलटवार किया है। इजरायली सेना ने बताया कि हिजबुल्ला ने बीते मंगलवार यानी 24 सितंबर को इसराइल पर लगभग 300 रॉकेट दागे। सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हेगरी ने कहा कि इसराइल पर करीब 300 रॉकेट दागे गए, जिसमें से 6 नागरिक और सैनिक घायल हुए, जिनमें से अधिकांश को हल्की चोटें आई हैं। उत्तरी इसराइल शहरों जैसे हाइफा, साफेद और नाजरेत पर हवाई हमले किए गए। In the last few days, Hezbollah has fired hundreds of rockets towards Israel. In the last week, over 700 missiles and rockets towards Israel, creating damage to many, many houses and communities. We have been facing this enemy, Hezbollah, for almost a year. Unprovoked, Hezbollah started this war, and for the last year, we have been acting in self-defense, trying to prevent a wider escalation. And a wider escalation is not something that has to happen. Hezbollah can stop its fire. Hezbollah can move north of the Litani according to all the international agreements. Hezbollah has been abusing civilian population in Lebanon for 20 years, hiding their munitions in houses and under houses. And we have information on this, intelligence on that, and you can see in our attacks in recent days, the secondary explosions and many of the sites showing these are actually places where weapons have been stored and directed towards Israel. वहीं हिजबुल्ला ने अपने वरिष्ठ कमांडर इब्राहिम कुबैसी की मौत की पुष्टि की है। समूह ने बयान जारी कर कहा कि वो यरूशलम के रास्ते में शहीद हुआ। कुबैसी हिजबुल्ला की मिसाइल और रॉकेट बल का अतिरिक्त केंद्रीय कमांडर था। वह साल 1980 के दशक में हिजबुल्ला में शामिल हुआ था। उसने संगठन के भीतर कई महत्वपूर्ण सैन्य भूमिका निभाई। हिजबुल्ला ने बताया कि उसके लड़ाकों ने अटलिट बेस में इसराइल की विशेष नौसैनिक टास्क यूनिट शायद 13 के मुख्यालय पर हमला कर ड्रोन से हवाई ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसमें इजरायली अधिकारियों और सैनिकों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। लड़ाकों ने जवाबी हमलों में रॉकेट या इंटरसेप्टर मिसाइलों के कुछ ही हिस्से जमीन पर गिरने के ऊपरी गैलीली के माउन मेरोन इलाके में आग लगी। ऊपरी गैलीली के एक शहर रोश पिना में एक आवासीय इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। इसराइल का लेबनान में सीधा संघर्ष होने से मिडिल ईस्ट में गहराता संकट पूर्ण युद्ध में बदल सकता है। इसमें ईरान समर्थित यमन और इराक के समूह भी शामिल हो सकते हैं। हिजबुल्ला के हमलों से इसराइल के सीमावर्ती शहर किरियत शमोना में एक लोकल म्यूनिसिपल स्टोरेज फैसिलिटी को भारी नुकसान पहुंचा है। लेबनान में दशकों के बाद इसराइल की ओर से किए गए भीषण हमले ने दोनों देशों को युद्ध के और करीब ला दिया है। हिजबुल्ला ने कहा कि उसने रात भर में कई इजरायली सैन्य ठिकानों को फादी रॉकेट से निशाना बनाया। समूह ने बताया कि लड़ाकों ने मंगलवार को उत्तरी इसराइल में दादो सैन्य अड्डे पर अपने लक्ष्यों के अलावा लगभग 50 और रॉकेट दागे। वहीं न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक इजरायली पीएम ने लेबनान के आम लोगों से आग्रह किया कि वो हिजबुल्ला के खिलाफ हवाई अभियान को आगे बढ़ाने से पहले अपने घरों को खाली करने के लिए उनकी अपील पर ध्यान दें। इसराइल का युद्ध आपके साथ नहीं, हिजबुल्ला के साथ है। बहुत लंबे समय से हिजबुल्ला मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। एक बार हमारा ऑपरेशन खत्म हो जाने के बाद आप सुरक्षित रूप से अपने घरों में वापस आ सकते हैं। इस बीच इसराइल ने लगातार दूसरे दिन लेबनान में हिजबुल्ला के कब्जे वाले इलाकों पर हमला किया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बेरूत के घोबेरी इलाके में एक इमारत पर हमला होने से कम 6 लोग मारे गए और 15 घायल हो गए। इससे पहले इजरायली सेना ने अचानक से हिजबुल्ला के दर्जनों ठिकानों पर रात में हमला किया था। लेबनानी अधिकारियों ने बताया था कि इन हमलों में 50 बच्चों और 94 महिलाओं समेत 598 लोग मारे गए और 2835 लोग घायल हुए।